गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम इंग्लिश में चैप्टर वन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सिया गोज टू स्कूल, ठीक है। क्वेश्चन वन, हु इज अ गुड गर्ल? गुड गर्ल कौन थी? कौन थी बच्चों? सिया। पहले आपको क्या करना है बच्चों, जैसे देखो मैंने लाइनों में ये क्वेश्चन नोट किया है सुंदर सुंदर, वैसे आपको नोट करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में आपको आंसर लिखना है और इसके बाद हम इसका आंसर करेंगे। गुड गर्ल कौन थी? सिया, एस आई वाई ए, सिया, ठीक है। फिर आंसर लिखने के बाद बच्चों आपको एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में आपको क्वेश्चन टू लिखना है। व्हाट डज शी विश हर पेरेंट्स? वह अपने पेरेंट्स को क्या विश करती थी? क्या आएगा? गुड मॉर्निंग, जी डबल ओ डी, गुड एम ओ आर एन आई एन जी, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। इसी तरह आपको बच्चों नेक्स्ट लाइन छोड़नी है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थ्री, व्हाट डज शी कीप ऑन द विंडो सिल? वह विंडो सिल पर क्या रखती थी? आंसर आएगा फूड एंड वाटर, F double O D, food, A and D and W A T E R, water, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर, व्हाट डज सिया टेक इन ब्रेकफास्ट? वह ब्रेकफास्ट में क्या खाती थी? क्या आएगा बच्चों? मिल्क एंड बनाना, M I L के, मिल्क, ए एंड डी एंड बी ए एन ए एन ए, बनाना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज शी पैक इन हर स्कूल बैग? वह अपने स्कूल बैग में क्या पैक करती थी? आंसर है बुक्स, पेंसिल बॉक्स एंड लंच बॉक्स, बी डबल ओ के एस, बुक्स, पी ई एन सी आई एल पेंसिल, बी ओ एक्स पेंसिल बॉक्स एंड एल U and C at lunch, B O X box, books, pencil box and lunch box, ठीक है। आपको बच्चों या आपकी नोटबुक में करना है। जय हिंद बच्चों।